सूरह बनी इसराइल आयत 52 से 53 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मेरे प्यारे रसूल मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। बेशक शैतान इनके आपस में फसाद डालता है और बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सदक अल्लाह मौलाना अज़ीम और सदक रसूल नबीउल करीम या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मलिक अल मुनीर लक़द फिल अल कमर ला युमकिन सनाउ कमा काना हू बाद अस्कुदा बज़ुक तो ही किस्सा मुख्तसर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कपड़ा पलीत हो जाए तो उसे पानी से पाक करो, अगर बर्तन पलीत हो जाए उसे भी पानी से पाक करो, अगर जिस्म पलीत हो जाए उसे भी पानी से पाक करो, और अगर जिस्म के अंदर दिल पलीत हो जाए तो मुझ मोहम्मद पे दरूद व सलाम से पाक। इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत के साथ मैं चेहरे भी देख रहा हूँ और यकीनी तौर पे जब हर चेहरे पे मेरी नज़र है, मुझ कमीने की नज़र है, तो यकीनी तौर पे सरकार की भी हर चेहरे पे नज़र है। मैं वो लोग भी देख रहा हूँ जो सुल्तान अतीकुर रहमान की बारगाह में इतनी खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे, तो वो पासियाँ देते हुए भी दिखाई दे, इतना ज़ौक और इतना बड़ा नाम हो, इतना बड़ा आशिक़ रसूल हो, इतना बड़ा काका सना खान हो और नात पढ़ी जा रही हो, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। सारे मिलके ज़ौक और मोहब्बत के साथ एक ऐसा दुरूद व सलाम पढ़िए कि पता चले कि आप सरकार के नौकर हैं। मिलके मोहब्बत के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। पीछे से भी आवाज आए, सारे मिलके पढ़िए सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। उनके दर पे कयाम काफ़ी है, हम पे इतना इनाम काफ़ी है। सुबह रोशन तुम्हें मुबारक हो, हमको तैबा की शाम काफ़ी है। और ये कहते हुए बड़े आगे, मुझको मेरा इमाम काफ़ी है, लाख अपना सलाम कुछ भी नहीं, उन पर आपका सलाम काफ़ी है। समझ में आ जाए जो पीछे बैठे हुए हैं ना, जो अभी तक बोले नहीं है, शर्मा गए हैं, घबरा गए हैं, वो भी सारे मिल के मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में हाजिरी पेश कीजिएगा कि ऐ वजह खल्क दो आलम सुरूर कल्ब व नजर, ऐ वजह खल्क दो आलम सुरूर कल्ब व नजर, तुझे हर एक बड़ाई सलाम करती है। मैं उसकी शान में अब और क्या कहूँ है ज़ैन, जिसे खुदा की खुदाई सलाम करती है। इतनी बड़ी शख्सियत आलमे इस्लाम का शख्सियत तशरीफ फरमा है, और आज की ज़ेर सदार फिर सैयद मस्तली शाह गिलानी साहब तशरीफ फरमा है, और एक और नाम जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी लबों से अदा होना हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है।
पाकिस्तान के अली शेर हाकिम साहब, अली रजा नूरी साहब, सुल्तान अतीक रहमान साहब, मुफीद हसन साहब, ये सारे के सारे मुझसे सीनियर हैं और बड़े हैं। अल्लाह पाक इनके मोहब्बतों को, इनके बड़े पन को हमेशा सलामत रखे। मैं चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं देर भी कर चुका हूँ और अब और देर मैं करना नहीं चाहता। 11:30 बज चुके हैं, इस लम्हे भी अगर बंदे को बाबा आदम हुसैन रिज़वी ना याद हो तो पता नहीं उसको याद क्या होगा। एक दफा टिल्ला के बोलो जरा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अच्छा आज सारे चुको हट जाए, जिन्हों ने सलामत रहे सारे। अच्छा सारे ने सलामत रहे ना, ये पता नहीं सरकार ने सदके अता है, ये जबान भी सरकार का सदका है, ये हाथ भी सरकार का सदका है, ये आंखें देखने के लिए बनी है, ये कान सुनने के लिए बने हैं, ये पांव चलने के लिए बने हैं, ये हाथ, चलो मुक्तियों का नाम है, ये हाथ खाने के लिए बने हैं। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बने बल्कि उसके नाम के उठाने के लिए बने हैं। हाथ उठा जो समझता है खाने के लिए नहीं बल्कि उसके नाम के उठाने के लिए, हाथ बुलंद करके बोल रहा सुभान अल्लाह। अब एक नारा मैं दो मिसरे पढ़ के, चूंकि बल्कि कामिल तशरीफ फरमा है, दो ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जिनके बगैर हाजिरी मुकम्मल नहीं कर सकता। पहला मिसरा पढ़ने लगा हूं, समझने वाले समझ आएंगे मिसरे किनके लिए है, कि जेड़े फट लगदे ओ फट जांदे पर सुन तासीर नहीं मरदे, जेड़े फट लगदे ओ फट जांदे। हुजूर साहब तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर आप भी तवज्जो फरमाइएगा, जिक्र मैंने इसलिए छेड़ दिया है कि आप मोहब्बती मोहब्बतों वाली शख्सियत है, जेड़े फट लगदे ओ फट जांदे पर सुन तासीर नहीं मरदे, जिन्हां दिलां विच हजारा ने सच और दिलगीर निमरते, जेड़े जैन ने रामा दे जाते और राह राहगीर निमरते, सदगुण पसारे मर जाते, कभी पीर फकीर निमरते। अच्छा सुभान अल्लाह आपकी थोड़ी है यार, अल्लाह के बोलो जरा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह, पीछे से हाथ बुलंद करके बोल रहा सुभान अल्लाह। अच्छा एक चार मिसरे, इससे बड़े मिसरे यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके हुजूर आपकी मस्जिद में, आपकी मोहब्बत में, आपकी अकीदत में, ये मिसरे मैं चार पढ़ने लगा हूँ, आपका दिल आपका ईमान पुकारेगा सुभान अल्लाह। जुमले इतने बड़े हैं, इजाज मक्कल साहब जितने भी शान वाल मक्कल साहब, हुजूर आपकी मोहब्बत को साथ लेते हुए, अली रजा नूरी साहब, सुल्तान अतीक रहमान साहब, अली शेर हाकिम साहब, नबील भाई, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पे खड़ा होके दुआ मांग रहा था, दुआ मांग के मैं बाहर निकला, दरवाजे पे एक शख्स खड़ा था, कहने लगा और अल्लाह को मानते हो, मैंने कहा मानता हूँ, कहने लगा जिंदा मानते हो, मैंने कहा जिंदा भी मानता हूँ, कहने लगा एक सवाल का जवाब दो, मैंने कहा पूछो क्या सवाल है, कहने लगा जो औलिया अल्लाह को नहीं मानते, जो दरबारों मजारों को नहीं मानते, क्या उनके अपने दरबार और मजार होते हैं, मुर्शिद वाले का हाथ नीचे नहीं रह सकता, जो बिन मुर्शिद के आया है उसका हाथ बुलंद नहीं हो सकता। मैं फैसला करने लगा हूँ, फैसला आपकी तरफ से भी सादर हो जाएगा, जिसका हाथ उठ गया समझूंगा कि कब्र में भी मुर्शिद वाला था, हश्र में भी मुर्शिद वाला था। जुमला मैं देने लगा हूँ, याद रखिए, जब उसने कहा जो अल्लाह को नहीं मानते, जो दरबारों को हुजूर नहीं मानते, जो मजारों को नहीं मानते, क्या उनके अपने दरबार और मजार होते हैं, वही खड़े खड़े मैंने कहा जो समझते हैं वो इनकार कहां से लाए, जो समझते हैं वो इनकार कहां से लाए, अरे वो जो मुनकर है वो इकरार कहां से लाए, जिनका आका की शरीयत से ताल्लुक ही नहीं, अरे उनके डर ही नहीं दरबार कहां। जिनका आका की शरीयत से ताल्लुक ही नहीं, हुजूर जिनका आका की शरीयत से ताल्लुक ही नहीं, उनके दर ही नहीं दरबार कहां से लाए। बाबा जी आदम हुसैन रिज़वी साहब ने बताया है कि लाहौर को पीडीएम की कितनी पार्टियों ने बंद करना चाहा, मीनारे पाकिस्तान को फरना चाहा, लेकिन मीनारे पाकिस्तान इतनी पार्टियों से भी फर नहीं पाया, अकेले बाबा ने
خادم حسین رضوی صاحب نے پورا لاہور بند کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو عشق مصطفیٰ کے پروانے کبھی مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے نبو پہ قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اچھا بھائی تم پریشان ہو، تو مسئلہ ہے کسی نے کوئی دعوت رہے آواز رہے جو پیچھے سے ہاتھ بلند ہو گیا ہے، اب ہاتھ بندے سرکار کے نام پہ جان قربان کی ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں، ایک بندہ بھی، کوئی صحابہ پہ مرتا ہے اچھی بات ہے، کوئی اہل بیت پہ مرتا ہے، لیکن سرکار پہ ان پہ مرنے والا ایک بندہ نہیں، یہ تاریخ ہے۔ رب کعبہ کی سچی قسم، اصحاب رسول رسول سے ہے، ادواج رسول رسول سے ہے، آل رسول رسول سے ہے، رسول کو تو تم مانتے نہیں، بولو یار رسول کو تو مانتے نہیں، اہل سنت کا ہے، تو آل رسول کو بھی مانتے ہیں، ادواج رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ رسول کو بھی مانتے ہیں، اور جس طرح رسول کو مانتے ہیں ہاتھ بلند کر جو ماننے والا ہے لگا کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یار آپ زبان سے بولو، دل لا کے بولو، اب میں شروع کرنے لگا ہوں، شروع کر دوں دو تین مصرعے پڑھے ہیں پھر میں ہاتھ بھی نہیں پیش کروں گا، آپ کی محبت دیکھوں گا، ہاتھ بلند ہو مصرعے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آتا ہو تو مار دیواں گے دل تے اپنی جان، آتا ہو تو مار دیواں، ہاتھ بھی چلا رہے یار، آتا ہو تو مار دیواں گے بیٹھ کی طرح، آتا ہو تو مار دیواں گے دل تے اپنی جان، سندھی بلوچی نال پنجابی ہوئیے باوے خان، سارے سٹیٹ والے بھی مل کے محبت کے ساتھ، آتا ہو تو مار دیواں گے دل تے اپنی جان، سندھی بلوچی نال پنجابی ہوئیے باوے خان، آقا دی ناموس لوکو ساڈا دین ایمان، اے سدارو میرے یارو اج پاکستان، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ جانے نے پینٹ باجے ٹوٹ جانے نے ساز، سپاہی نے پوچھا ممتاز وہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے، وہ تو قدم چکنا سنیر، قدم چکنا سنیر، غازی ملک ممتاز حسین قادری سے کہنے لگا وہ تیرے سامنے پھانسی کا پھندا ہے، تو قدم چکنا سنیر، قدم چکنا سنیر، وہ تیرے پھانسی کا پھندا نظر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون بندہ بولے گا، کون خاموش رہے گا، چوک چراہوں میں بولنے والے اور ہوتے ہیں، بس اڈو میں بولنے والے اور ہوتے ہیں، ڈیگنوں میں، ٹانگوں میں، لاٹوں میں بولنے والے اور ہوتے ہیں، جو حضور کے ناموس کے لیے بولتے ہیں اور اٹھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ جملہ میں بولنے لگا ہوں، جب سپاہی نے کہا سامنے پھانسی کا پھندا ہے، تو قدم چک رہے اسنے، قدم چک رہے اسنے، اور تیروں پھانسی کا پھندا نظر نہیں ہوں گا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے قدم اٹھایا، اٹھا کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا چلیا او پھانسی کا پھندا تینوں نظر آؤں گا، جو مینوں نظر آؤں گا تینوں نظر نہیں آؤں گا، ہاتھ
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जितने भी ये नौजवान किसी फरमाए मुरी भाई मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से दुआ हो। ये ऐसी शख्सियात है कि उनसे बड़ी दुआ की बात हुई। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ करोड़ों लोगों ने इसको शेर किया है इन चार मिसरों को जो गाजी खालिद ने सुपुर्दगी के दरमियान खुली अदालत में एक कुत्ते को मिर्जई को कादियानी को बासी खत्म किया उसको सलामी के तौर पर मैंने चार मिसरे कहे थे। यार ना बोलो तो कोई बात नहीं फर्क कोई नहीं पड़ता मैं करना मैं पढ़ रहा हूँ सलाम करने के लिए जो को सलाम करना चाहता है और बताएगा कि सरकार के नौकर चाहे किसी जगह पे भी हो इंडोनेशिया में हो ईरान में हो अफगानिस्तान में हो अमेरिका में हो डेनमार्क में हो कहीं भी हो सरकार के नौकर होते हैं और सरकार के नौकर तो तलवार के नीचे भी सरकार के नौकर खंजर के नोक के नीचे भी सरकार के नौकर टैंक के आगे भी सरकार के नौकर तख्ताए दार पे भी सरकार के नौकर। मिसरे में पढ़ने लगा हूँ जिसे सरकोटी के दरमियान बड़ी अदालत में एक कुत्ते को पांचवे जहन्नम करके बता दिया कि इंसान अगर हो तो शरारत नहीं करते काफिर कभी कुरान की तिलावत नहीं करते। बतला दिया एक आशिक नुसल ने जहां को हम दीन मोहम्मद से बगावत आई हक के लहरा के बोल लबैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लबैक। आखिरी आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं पता है आपको कि एनपीआर की पार्टी के जितने लोग हैं ना जब भी उनका तराना बजता है तो नाचते हैं लोन दी के अपने अंदाज से नाचते हैं क्योंकि वो फख्र करते हैं उस पार्टी से हजूर समझ आ रही है मेरी बात। वो एक बात मुझे याद आ गई इसके बाद मैं शेयर करता हूँ एक सियासी जलसे में दूरी भाई एक बड़े उछल उछल के नारे लगा रहा था अली शेर करता हूँ किसी दूसरे बंदे ने कहा भाई किसका जलसा है उसने कहा कि फलाह जी का जलसा है उसने कहा ये बता जलसे वाले को जानता है मैं जानता हूँ इसीलिए नारे बुलंद कर रहा हूँ उसने कहा ये बता जलसे वाला तुम्हें जानता है। जलसे वाला तुम्हें जानता है उसने कहा नहीं अंदर बात उतरेगी आगे अंदर कहा यार दो तीन सवाल है उसने कहा पूछो उसने कहा ये बता रोनाल्डो को जानते हो उसने कहा जानता हूँ इंडिया फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है कौन नहीं जानता उसने कहा कौन की छोड़ ये बता तू जानता है उसने कहा जानता हूँ उसने कहा ये बता रोनाल्डो तुम्हें जानता है और बोलो यहाँ सवाल रहा उसने कहा अगला सवाल उसने कहा ये बता नाम मैं लेने लगा हूँ इसलिए समझाना मकसूद है अगर ना उनकी इतनी औकात नहीं है तो उनका नाम यहाँ पे लिया जाए उसने अगला सवाल किया उसने कहा शाहरुख खान को जानते हो उसने कहा जानते हो कौन नहीं जानता इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है उसने कहा कौन की छोड़ ये बता तू जानता है उसने कहा जानता हूँ उसने कहा शाहरुख खान तुम्हें जानता है उसने कहा नहीं उसने कहा आखिरी दो सवाल उसने कहा ये बता नवाज शरीफ को जानता है उसने कहा जानता हूँ उसने कहा नवाज शरीफ तुम्हें जानता है उसने कहा नहीं उसने कहा आखिरी सवाल ये बता इमरान खान को जानते हो उसने कहा जानता हूँ उसने कहा इमरान खान तुम्हें जानता है उसने कहा नहीं उसने कहा यार कितनी अजीब बात है कि जो तुम्हें छोड़ते तक नहीं है उनकी मोहब्बत में उनकी अकीदत में जान देने के लिए तैयार बैठे हो और जब तुम्हें कब्र और हश्र में जानेंगे उनका नाम भी तेरे नबू से निकलता नहीं हाथ बांध कर के बोल लबैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लबैक लबैक। ये बात मैंने इसलिए किया कि अगले शेर पे आ जाओ अभी तक जो हाथ नीचे रहे अब वो हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए इसलिए कि हर पार्टी का हर बंदा ये नारा बुलंद करता है मैं उस पार्टी का हूँ जो सरकार की पार्टी का है जो सरकार की पार्टी का है हाथ नीचे ना रखेगा। मैं जुमले पढ़ने लगा हूँ कि लख मुकाबला कर आओ होनी नहीं बल्ही लख मुकाबला कर आओ होनी नहीं बल्ही समझण वाले समझण के ए नुक्ता ए बारी सुन के ना कह लो
लोगों की निकल गई है चीज अभी गहरी बाकी नहीं है सुनिया की गहरी पानी जमना का भी हो, पानी जमना का भी हो, खून नहीं हो सकता। कोई मूसा कोई हारून नहीं हो सकता, कोई मूसा कोई हारून नहीं हो सकता। और मुनकर खत्म नबूवत जो बना दे ज़ैन, वो मेरे मुल्क का कानून नहीं हो सकता। मैं मुल्तमिस हो रहा मिसरे मोहम्मद हयात सुल्तान साहब की मोहब्बतों को साथ लेते हुए, पीर साहब की मोहब्बतों को साथ लेते हुए, दो तीन मिनट की हाजिरी फिर मैं अली भाई के माइक हवाले कर दूंगा। और ये मिसरे इसहाई की इफ्ती है कि एक दफा मोहब्बत और अकीदत के साथ बुलंद आवाज से कहिए जरा सुहाना, बुलंद आवाज से कहिए जरा सुहाना। जो जाग रहा है हुजूर की बारगाह में, समझता है यकीनी कैफियत के साथ के बैठा है, वो हाथ बुलंद करके बोले जरा सुहाना। अल्लाह पाक आपको सलावत सलावत। ये जो अहबाब खड़े हैं आपसे गुजारिश है, आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बैठ जाइए। दीवार के साथ जो खड़े हैं वो भी जल्दी से आ जाएंगे। बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदतों के साथ जनाब मोहतरम इजाज हैदर मक्कल साहब, हाजी शानवाज मक्कल साहब, कामरान हैदर मक्कल साहब, फयाज हैदर मक्कल साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आबाद ने शाद ने जिनने इतनी खूबसूरत मदर का इनकार किया है, और जनाब आलमानी साहब अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। मैं पहला मिसरा पढ़ने लगा हूँ, सरकार फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की बारगाह में। जुमला वक्त इस वक्त वो नहीं है कि कुछ आगे बढ़ा जाए या फिर आपको दिखाया जाए या वाह करवाई जाए, यकीन जानिए वगरना आप खड़े होकर भी दमाल भी डालेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वक्त इस वक्त नहीं दे रहा, इजाजत नहीं दे रही। इसलिए मौलवी साहब मेरे सामने तशरीफ फरमाए, हुजूर पीर साहब तशरीफ फरमाए, लेकिन मस्तनी शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, तो मैं उनकी बारगाह में हाजिरी पेश कर रहा हूँ कि जिनकी बारगाह में सारी कायनात हाजिरी पेश करती है। पहला जुमला मैं पढ़ रहा हूँ कि ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं। और मैं चाहता हूँ हुजूर आपसे दुआ हो जाए, और जुमला मैं चाहता हूँ कि ये दो तीन जुमले दो तीन मिनट की आप सुन के जाइएगा, आपकी मोहब्बतों को मैं साथ ले लूं। हुजूर आप आले नबी हैं, औलादे अली हैं, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपके चेहरे को ज़ियारत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगले मिसरे से आप दुआ फरमा दीजिएगा। जितने भी बानियान हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, इससे बड़ी महफिल की रूहानियत ही नहीं होती कि हुजूर के जो मोहब्बत करने वाले वो सब चीज़ फरमाए। जुमला सुनिएगा, ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, बेटियां लाखों है हजरत फातिमा जैसी नहीं। ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, नसर की जरूरत नहीं है, शेर वही होता है जो अपनी सिफारिश आप करें। अगर उसको तशरीह और तौसीह की जरूरत पड़ जाए तो शेर शेर नहीं होता। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, आपके चेहरे पर पढ़ूंगा कि ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, बेटियां लाखों हैं हजरत फातिमा जैसी नहीं, आप है खातून जन्नत बिनते शाहे अंबिया, आपके आगे ये दुनिया आके पा जैसी नहीं, आपके आगे ये दुनिया खाके पा जैसी नहीं, और खाना हजरत अलियों फातिमा हसनो हुसैन वादी ये जन्नत भी उस घर की फदा जैसी नहीं, वादी ये जन्नत भी उस घर की फदा जैसी नहीं। आलमानी साहब और हुजूर आपकी मोहब्बतों को साथ देते हुए तवज्जो फरमाइएगा, जुमले कितने कीमती है। सैयद मस्तनी शाह साहब जुमले सुनिएगा कि सूरह-ए कद्र का ये नारा है, सूरह-ए कद्र का ये नारा है, अरे आप क्या जाने फातिमा क्या है, सूरह-ए कद्र का ये नारा है, आप
राजा ने फातिमा चाहे पता नहीं कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ पढ़ते रहना है। ये हमारा शिवा नहीं है कि हम चेहरों को देख के पढ़े, ये अपने अपने मुकद्दर के फैसले हैं। मैं पढ़ रहा हूँ कि सूर आए पत्र का ये नारा है। अरे आप राजा ने फातिमा क्या है जिसको सारे अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, सुबह को जिसकी फजर कहते हैं, शाम को जिसके असर कहते हैं, हर जमाने पे जिसका कब्जा है। आप राजा ने फातिमा क्या है, अरे जिसकी चादर को आसमान कहिए, अपने बच्चों का साहेबा कहिए, इसको अलहमद का निशान कहिए, असर के झूठ में अमान कहिए, कुल्ले ईमान का जो मुसल्ला है। अरे आप राजा ने फातिमा क्या है, अरे जिसका बाबा रसूल आशिक रब, जिसके बेटे हसन हुसैन लकब, ये जहां में है सबसे अच्छा नसब, जिसका शोहर अली अमीर अरब, सूरह नूर जिसका शजरा है। अरे आप राजा ने फातिमा क्या है, आपकी महबूबों की नजर करते हुए ये मिसरा बड़ा कीमती है। और ये हुसैन का तारुफ है कि रसूल नाना बाबा अली है, रसूल नाना बाबा अली है। अजीब पूछ रहे हुसैन की, रसूल नाना नाना बाबा अली है, अजीब पूछ रहे हुसैन की। चलिया हुसैन की मां नबी दी दिए, अजय भी पूछ गए हुसैन नबी दी दिए, अजय भी पूछ गए हुसैन। ये हुसैन गोदे नबी च पलिया, ये तीसरा ये इमाम चलिया। हाथ अगर उठ सके तो पंजा खोल के हाथ उठाइएगा, जो हुसैनी है जो पंजतरी है, हाथ पैर नीचे ना रखिएगा, जुमला सुनिएगा, हुसैन हुसैन रसूल नाना बाबा अली है, अजीब ही पूछ रहे हुसैन की है। हुसैन गोदे नबी च पलिया, ये तीसरा ये इमाम चलिया। हुसैन पंज तन दा पंजवा जीए, अजीब ही पूछ रहे हुसैन की बगैर हुसैन बोले हो चलिया, ये हो शहीदा की जिंदगी है, अजय भी पूछ रहे हुसैन की। सबर भी जिसते है नाज करता है, केड़ा सबर हुसैन पर, सबर भी जिसते है नाज करता है, केड़ा सबर है, केड़ा सबर है, केड़ा सबर हुसैन वर्गा। और लुटा के साथ कुछ ना कीता सीए, बड़े भी पूछने हुसैन की। हवाले कर दो, फिर बोलना है मोहब्बत के साथ कि मैंने चाहा कि सोच लो उसको, मैंने चाहा जितने बानियान है आपकी मोहब्बतों को साथ लेते हुए, जुमला बहुत कीमती है, कीमती सवालों के हवाले कर रहा हूँ कि मैंने चाहा कि सोच लो उसको, सोचने में मगर नहीं आता, मगर नहीं आता, मगर नहीं आता, मगर नहीं आता। ओ उसका साया कहाँ समझ आए जिसका साया नजर आ रहा, जिसका साया नजर नहीं आता। मुल्क में सो रहा हूँ।